तो समर सिंह को फाइनली जेल में भेज दिया गया है और वाराणसी में डिस्ट्रिक्ट जेल में समर सिंह को रखा गया है। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ये समर सिंह के लिए फिलहाल टेम्परेरी जेल ही है, क्योंकि अभी तो 10 अप्रैल को बहुत कुछ होना है, लेकिन अब जो 10 अप्रैल को होगा वो होगा। लेकिन उससे पहले समर की जेल में पहली ही रात बेहद भारी पड़ गई, क्योंकि कहां तो समर सिंह वीवीआईपी ट्रीटमेंट का शौकीन था और कहां समर को 8x8 के छोटे से बैरक में रख दिया गया। जी हां, जेल में बैरक नंबर 10 में समर सिंह को रखा गया है, जिसमें एक कंबल और टूटी हुई थाली खाने को दी गई है। और पहली ही रात समर के लिए डरावनी हो गई। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। आकांक्षा के इंसाफ के लिए कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें और इस मुहिम में, आकांक्षा के इंसाफ की इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो समर सिंह को वाराणसी की जिला जेल में रखा गया है। अब जेल में समर सिंह की हालत खराब हो गई है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि जेल के अंदर भी समर सिंह ठीक नहीं है। समर सिंह की कंडीशन बेहद खराब हो गई है। अब जेल में जब समर सिंह को लाया गया था तो क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। तो 8 अप्रैल की शाम को करीब 6 बजे के आसपास समर सिंह को सुनवाई के बाद बाहर निकाला गया और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट भी है, वो ट्विस्ट आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इस बीच समर सिंह को शाम के करीब 7:15 बजे के आसपास वाराणसी की जेल में पहुंचा दिया गया। अब जेल में पहुंचते ही समर सिंह का सामान वहां पर हैंडओवर किया गया और समर सिंह को जरूरी दस्तावेजों के साथ जरूरी फॉर्मेलिटी के बाद जेलर के हवाले कर दिया गया। अब जेल में पहले से ही पता था कि समर सिंह आने वाला है, लिहाजा उसके लिए तैयारियां पहले से ही थीं। जेल के अंदर समर सिंह को सबसे पहले वेटिंग रूम में रखा गया। हालांकि जेल में सभी नए आने वाले कैदियों को मास्क दिया जा रहा था, मगर समर सिंह ने गमछा लगाया था, लिहाजा उसे मास्क नहीं दिया गया। और कुछ देर वेटिंग रूम में बिठाने के बाद समर सिंह के साथ 2 बंदी रक्षक आ गए और आगे आगे जेलर, पीछे पीछे समर सिंह और उसके पीछे बंदी रक्षक चलते रहे। जेल सूत्रों के मुताबिक समर सिंह को सीधे ही बैरक नंबर 10 में ले जाया गया। जी हाँ, बैरक नंबर 10 में समर सिंह को पहुंचाया गया और वहां पर बैरक नंबर 10 की सेल में उसे पहुंचाकर दरवाजा बंद कर दिया गया। अब यहाँ समझिए कि उसकी बैरक की क्या हालत है। वैसे तो बैरक नंबर 10 काफी बड़ी है, मगर इसमें कई सेल बनी है और नए आने वाले कैदियों को फिलहाल वाराणसी जेल की बैरक नंबर 10 में ही रखा जा रहा है और इसे क्वारंटाइन बैरक बनाया गया है। कोविड के फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए बैरक नंबर 10 में ही नए कैदियों को रखा जा रहा है। आगे देखिए, बैरक नंबर 10 में जो सेल दी गई है वो 8x8 की छोटी सी सेल है। जी हाँ, बेहद ही छोटी, 8 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी। इसी 8 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी सेल में ही समर सिंह को रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह को इस दौरान एक कंबल दिया गया, एक थाली दी गई जो कि किनारों से टूटी हुई थी और एक लोटा यानी कि मग दिया गया। अब यही समर सिंह का सामान था। जेल के अंदर बिस्तर तो है नहीं और चारपाई मिलती नहीं है, लिहाजा समर सिंह को फर्श पर ही सोना था और जो कंबल दिया गया था उसे चाहो तो बिछा लो, चाहो तो ओढ़ लो। साथ ही साथ उस टूटी हुई थाली में पानी से भी पतली दाल दी जाती है और उसी में रोटियां दी जाती हैं। अगर किसी को चावल खाना है तो वो भी उसी थाली में दिया जाता है और जो मग दिया गया है उसी मग से पानी भी पीना होता है और सुबह सुबह के नित्य क्रम के बाद धोना भी और नहाना भी इसी से होता है। यानी कि मामला बेहद डरावना समर सिंह के लिए हो गया है, क्योंकि उसी मग से समर सिंह को भी पीना भी है और धोना भी है। आगे देखिए, अब जिस वक्त समर सिंह को जेल में लाया गया उसके कुछ ही देर बाद रात के खाने का वक्त हो गया था और समर सिंह का पहला दिन था, क्वारंटाइन बैरक में रखा गया था तो उसके लिए उसकी सेल में ही खाना दिया गया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने जेल का खाना नहीं खाया और भूख नहीं होने की बात कही। अब जेल के अंदर समर सिंह के वीवीआईपी ट्रीटमेंट की ऐसी तैसी हो चुकी थी और बिल्कुल सामान्य कैदी की तरह समर सिंह को रखा गया था। रात में समर सिंह के बैरक के आसपास इतनी तेज हैलोजन लाइट जल रही थी कि जिससे रात भर पूरी बैरक में उजाला रहा, गर्मी रही और सोने के लिए अंधेरा तक नसीब नहीं हुआ। हालत ये रही कि रात भर समर सिंह सो नहीं पाया, रात भर जागता रहा, रात भर परेशान होता रहा। एक तो हैलोजन का उजाला और ऊपर से मच्छरों ने समर सिंह को बुरी तरह परेशान कर दिया। समर सिंह तो एसी रूम में रहने का आदी है, मगर यहाँ पर मच्छरों के साथ ही बदबू ने भी समर सिंह की हालत खराब कर दी थी। जेल सूत्रों की माने तो समर सिंह कभी जमीन पर बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी चलने लगता, कभी लेट जाता। रात भर समर सिंह बेचैन रहा, यहाँ तक कि वो रात में कई बार रोने भी लगा। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक समर सिंह रात में रोने लगा और खुद कोई कोसने लगा कि किस मनुष्य पक्ष पर वो आकांक्षा के करीब आया था और क्यों उसने आकांक्षा के साथ गलत किया। जी हाँ, बाहर भले ही समर सिंह खुद को बेकसूर बता रहा है, मगर जेल की रात में खुद से ही बड़बड़ाते हुए समर सिंह खुद को कोसता रहा, गालियां देता रहा।
और यहाँ तक कहता रहा कि उसने जो आकांक्षा के साथ किया अब आकांक्षा ही उसका बदला ले रही है, इसीलिए मेरी हालत इतनी खराब हो गई है। आगे देखिए, रात भर समर सिंह बेचैन रहा और उसके बैरक नंबर 10 के पास मौजूद बंदी रक्षकों की माने तो रात भर समर सिंह खुद से बातें करता रहा, खुद को कोसता रहा, खुद को गालियां देता रहा और बार बार आकांक्षा का नाम लेता रहा। और समर सिंह के लिए पहली रात, जेल वाली पहली रात बेहद डरावनी गुजरी, बेहद मुश्किल हालात में गुजरी। अब कंडीशन यह है कि जेल में तो समर सिंह पहुंच गया है, मगर अभी ये टेम्पररी जेल है। जी हाँ, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही दिन समर सिंह इस जेल में या कहें कि इस बैरक में रहेगा और उसके बाद 10 अप्रैल सोमवार को कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। शनिवार को जिस स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने समर सिंह को पेश किया गया था तो पुलिस ने रिमांड की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि सोमवार यानी कि 10 अप्रैल को रेगुलर कोर्ट के पास अर्जी लगाओ और फिर वहीं से पुलिस रिमांड का फैसला होगा। अब तय है कि सोमवार को पुलिस को रिमांड मिल जाएगी, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है, वीवीआईपी मामला है और अब तो वो ज्यादा ही बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि अब आकांक्षा के लाखों फैंस इंसाफ चाहते हैं, सब इंसाफ के लिए एक साथ आ गए हैं। अब सोमवार को समर सिंह को जेल से बाहर निकाला जाएगा और कम से कम 3 दिन के लिए पुलिस की कस्टडी में समर सिंह को लाया जा सकता है, जिसके बाद समर सिंह तोते की तरह पूरी कहानी बताएगा, पूरी वारदात बताएगा और जो कुछ जेल के अंदर बड़बड़ा रहा था उसे भी पूरी तरह से बताएगा। इसीलिए ये समर सिंह की टेम्पररी जेल है, अभी तो समर सिंह के साथ बहुत कुछ होना बाकी है। तो कुल मिलाकर आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या समर सिंह की जेल यात्रा शुरू होने के साथ ही आकांक्षा का इंसाफ भी शुरू हो गया है? क्या जिस तरह आकांक्षा को समर ने तड़पाया था, टॉर्चर किया था, मारा था, पीटा था, क्या समर सिंह के साथ वही सब कुछ होने जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि ये क्या आकांक्षा के इंसाफ की शुरुआत है या फिर समर सिंह को कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, और चैनल के साथ जुड़कर इस लड़ाई में, इस मुहिम में हमारा साथ दें, हमारी ताकत बने। तो समर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जो भी वीडियोस और फोटोज सामने आए हैं वो काफी डरावने हैं, काफी घिनता फैलाने वाले हैं। लंबी दाढ़ी, ब्लू हुडी और मुंह पर मास्क लगाकर समर सिंह एकदम क्रिमिनल जैसा ही लग रहा है। 26 तारीख से पुलिस को छका रहे समर सिंह को वाराणसी की क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद से अरेस्ट किया है और समर सिंह से लगातार पूछताछ जारी है। पहले तो समर सिंह पूछताछ में बहुत ड्रामा कर रहा था, खुद की पहुंच की धमकियां दे रहा था, मगर पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स की सख्ती के आगे समर सिंह की एक नहीं चली और समर सिंह को मुंह खोलना ही पड़ा। मगर यहाँ पर समर सिंह बड़ा खेल करता नजर आ रहा है और अपने मुंह से कई खुलासे करते हुए आकांक्षा दुबे पर ही कीचड़ उछाल रहा है। तो पुलिस की पूछताछ में समर सिंह ने कहा कि उसे इस केस में बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि असली गुनहगार तो कोई और है। जी हाँ, समर सिंह का कहना है कि उस पर दर्ज की गई FIR बिल्कुल गलत है, जबकि आकांक्षा की मौत के लिए कोई और ही जिम्मेदार है और वो खुलेआम घूम रहे हैं। पूछताछ में समर सिंह ने आगे कहा, 26 मार्च को क्या हुआ मुझे नहीं पता, मुझे तो न्यूज चैनल्स और मेरे मैनेजर के जरिए पता चला कि आकांक्षा की मौत हो गई है। मैं तो खुद इतना शॉक्ड था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। मैं आकांक्षा को लेकर अपने करीबियों से बात ही कर रहा था कि कुछ घंटों बाद मेरा नाम हेडलाइंस में आने लगा। मैं हैरान हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर आकांक्षा की माँ ने मुझ पर क्यों FIR दर्ज करवाई है। उस वक्त मैं वाराणसी में ही था, मगर फिर मुझे यहाँ से निकलना पड़ा, वरना मेरी अरेस्टिंग हो जाती। मुझे लगा 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मगर मुझ पर तो फिर आरोपों की बाढ़ आ गई और मुझे अपने बचाव में इधर से उधर भागना पड़ा, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने समर सिंह से पूछा कि उसकी आकांक्षा से आखिरी बार बात और मुलाकात कब हुई थी, तो इस पर बोलते हुए समर सिंह ने कहा, 25 मार्च की शाम को आकांक्षा ने मुझे आखिरी बार कॉल किया था, हालांकि उसकी तरफ शोर बहुत ज्यादा होने की वजह से मुझे उसकी बातें समझ नहीं आई, फिर 5-6 सेकंड के बाद उसने खुद ही फोन कट कर दिया। उस वक्त हम दोनों के बीच वैसे भी चीजें ठीक नहीं थी, तो ज्यादा बात नहीं होती थी, हम दोनों केवल काम के सिलसिले में ही बातें किया करते थे। समर सिंह ने पुलिस को कहा कि 25 मार्च को आकांक्षा की वो कॉल ही हमारी आखिरी बातचीत थी। समर सिंह ने आगे कहा, लोग मेरे और उसके करीब होने की बातें कह रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि मुझसे ज्यादा आकांक्षा 2 लड़कों के साथ करीब थी। हम दोनों कैमरे के सामने अच्छे लगते थे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। समर सिंह ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि आकांक्षा बनारस और मुंबई के रहने वाले 2 लड़कों के संपर्क में थी और दिन भर उन दोनों से बातें किया करती थी। आकांक्षा उन दोनों ही लड़कों के काफी करीब थी, तीनों की रात रात भर घंटों घंटों बातें होती थी। समर सिंह ने कहा, सच कहूं तो आकांक्षा एक साथ 2 लड़कों के साथ अफेयर में थी और उन दोनों लड़कों को भी पता था इस बारे में। तीनों एक साथ कई बार डेट पर गए थे, होटल में एक ही कमरा बुक किया करते थे।
समर सिंह ने आगे कहा, अगर पुलिस आकांक्षा के फोन खंगाले और कॉल डिटेल निकलवाए तो काफी कुछ पता लग जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि वो दोनों लड़के कौन हैं और आकांक्षा उन दोनों से कितनी देर बातें किया करती थी। समर सिंह ने अपने बयान में साफ साफ कहा कि आकांक्षा की मौत से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन अगर पुलिस जांच करे तो उन लड़कों का कनेक्शन इस मौत से जरूर निकलकर सामने आएगा। समर सिंह ने कहा कि वो दोनों लड़के ही आकांक्षा की मौत के जिम्मेदार हैं। पुलिस को उन दोनों को पकड़कर